जन्माष्टमी का त्यौहार हम लोग मना रहे हैं, मलिक फैमिली और तिशु बेटा की शादी हुई है मुनीम जी से, तो मौका वाजिब है और माता जी भी आई हुई है तो उनका आदेश है, जो हम लोग मटकी फोड़ने का दही हांडी वो करेंगे और एक कंपटीशन रखा है। आप लोग शो तो देख ही रहे हैं, सारी कहानी तो आपको पता ही है और अब नई नई घटनाएं आने वाली हैं, नए नए नाटक के मोड़ आने वाले हैं जो आपको देखना अच्छा लगेगा, तो आप देखते रहिए। और ये देख रहे थे कि आप क्या बोलते हैं, फोर्स किया जा रहा था आपको डांस करने के लिए। देखिए क्या है, आप सब जानते हैं, अगर मुझे दादी के रूप में देख रहे हैं, कि मुझे नाचना अच्छा लगता है, तो जाहिर सी बात है संगीत बजेगा तो मन तो थिरकेगा ही, लेकिन माता जी आई हुई हैं, उनका डर है, तो तन से तो नहीं नाच सकते हैं, मन से थिरक रही हूँ मैं। पहले ही मतलब इनकार कर दिए डांस करने के लिए, वो क्या करते हैं? दद्दू थोड़े नाराज हैं। देखो क्या है, अभी तक दद्दू की चलती थी, कोई दद्दू को दबा नहीं पाता था। मैं प्यार कर पाती थी लेकिन डांट तो मैं भी नहीं पाती थी, तो माता जी आई हैं, जरा कान उमेट रही हैं, चाटा मार रही हैं, तो दद्दू थोड़े नाराज हैं, तो वो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। अभी तो अभी गणपति आने वाली है। हाँ, गणपति भी मनाएंगे। देखिए क्या है, हम हिंदुस्तानी परिवार हैं और हिंदुस्तानी परिवार में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने त्यौहार होते हैं वो ज़रूर मनाए जाते हैं, तो हम भी मलिक हैं, हम क्यों नहीं मनाएंगे, हम भी मनाएंगे। और हमारे यहाँ खुशी का मौका है, शादी हुई है तिशु बेटा जी और मुनीम जी की, तो मौका है, बिल्कुल मनाएंगे। मैम ऐसा क्या मांगेंगी बप्पा से? बप्पा से मांगूंगी कि हमारे दर्शक, जो हमको तुमसे हो गया है प्यार, हमको तुमसे हो गया है प्यार, इसको बरकरार रखें, दर्शक हमारे साथ रहें, हम दर्शकों के साथ रहें, वो हमें प्यार करें, हम आपको प्यार करें, बस बप्पा से यही रोज़ आशीर्वाद मांगते हैं, रोज़ मेहनत करते हैं, रोज़ पसीना बहाते हैं और रोज़ इच्छा करते हैं कि हमारे टीवी के स्क्रीन के सामने और दर्शक इकट्ठे होते जाएं और खूब सारा प्यार भेजे हमें। आने वाला आर्टिस्ट क्या होगा दर्शकों? बहुत राज की बात है, आप देखते रहो, बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। और ये गाना खत्म हुआ, तालियां। माता जी ने बोला चलो अब ये रस्म शुरू करते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, फोड़ो मटकी। दादी आपकी लाइन देखिएगा, माता जी मुनीम जी और तिशु का रिश्ता इतना मजबूत है कि उनका मटका नहीं टूटेगा। मुनीम जी का रिश्ता इतना पक्का है कि इनका मट्टा फूटेगा ही नहीं। रस्म चालू हुई, टू सुपर टाइट कर लीजिए। देखा सबसे पहले पुलकित की बारी आई और ये पुलकित ने मारा और ये फूट गया। ओ, ये तो खुश हो गया। तेरस के बाद परीक्षित की बारी आई और परीक्षित ने मारा और ये नहीं फूटा। और फाइनली अनोखी की बारी आई और हमारी गुलेल और ये फूट गया। और देखा और फाइनली माता जी ने बोला तो इस प्रतियोगिता के विजेता है परीक्षित और निकी भरू। माता जी ने बोला परीक्षित ने नहीं बहू, मैंने तुम्हें ये मटका संभालने के लिए दिया था ना, तो फिर जवाब दो मुझे, तुमने इसमें नकली बांसुरी रखी? कट करेंगे क्या इस स्टोरी है? देन ये तुषार ने किया और ये मटकी फूट गई। ट्रैक एक बंद हो गया।